हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जैसे हम पीसीएम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को पढ़ते हैं, तो मोस्टली जो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो हमें समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, किस कारण से नहीं आता, उसका कारण क्या होता है कि हम रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री को एक प्रॉपर वे में स्टडी नहीं करते। प्रॉपर वे का अर्थ होता है उसको हम आसानी से पढ़ना होता है, तो उसके लिए हमें उसकी थ्योरेटिकल सैद्धांतिक स्टडी करनी होती है, तो उसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट होते हैं। तो जैसे हम ट्वेल्थ क्लास की स्टडी करते हैं, ट्वेल्थ क्लास के अंदर टोटल सीबीएसई बोर्ड में 16 पार्ट होते हैं और राशन बोर्ड में 17 चैप्टर होते हैं। तो हम जैसे पहला पार्ट है ठोस अवस्था, पर हम स्टडी करते हैं ठोस अवस्था की, ठोस अवस्था। तो सबसे पहले आवश्यक है कि ठोस अवस्था होती क्या है, तो ठोस अवस्था का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पदार्थ हम पढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 11वीं क्लास में पदार्थ की अवस्था के नाम से चैप्टर होता है, 11th में होता है। तो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होने का कारण क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित क्यों होती है, किस कारण से होती है। तो उसमें दो मूल कारण होते हैं। पहला कारण क्या है, तापीय ऊष्मा जिसको हम ताप के आधार पर व्यक्त करते हैं, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, अंतरणिक आकर्षण बल। इस दो कारण से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। तो कैसे होगी, जैसे ठोस अवस्था होती है उसमें अभी भी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होती है, ये ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था में कण ये होते हैं, इधर अवस्था है। गैस अवस्था में कण इस प्रकार से होते हैं, गैस अवस्था, ये गैस अवस्था। पदार्थ की मूल रूप से चार अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अब ठोस में कण इन तीनों के हम 11 के अनुसार परिभाषा पढ़ते हैं। ठोस में आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, गैस के अंदर आकार आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, तो इसका मूल कारण के जो पदार्थ के जो अभिविक कण है, कोई भी पदार्थ लेते हैं उसमें अभिविक कण होते हैं, उस कण के अंदर हम परमाणु शामिल कर सकते हैं, अणु शामिल कर सकते हैं और आयन को शामिल कर सकते हैं। परमाणु, अणु और आयन, इन तीनों को हम शामिल कर सकते हैं, उसके आधार पर हम इसको व्यक्त करते हैं, इसके आधार पर इसको व्यक्त करते हैं। तो मान लो हमने ताप में वृद्धि करते हैं तो आकर्षण बल कमजोर होंगे। तो जो अभिविक कण है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, तो ठोस अवस्था जो होती है उसमें अभी कणों का आकर्षण बल टूटेगा तो वो धीरे धीरे दूर जाएंगे, वो किससे बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। वो ज्यादा तापीय ऊष्मा बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल बहुत दुर्बल हो जाएंगे, दुर्बल होने के कारण वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो कहने का ताप वृद्धि से, ताप बढ़ाने से तापीय ऊष्मा बढ़ेगी, तापीय ऊष्मा बढ़ेगी तो आकर्षण बल दुर्बल होंगे, कमजोर होंगे, और आकर्षण बल दुर्बल या कमजोर होने के कारण वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे। तो पदार्थ की जो अवस्था है
और द्रव से गैस में परिवर्तित होती जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो हम ताप कम कर दें तो आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल में वृद्धि होगी, तो आकर्षण बल में वृद्धि होगी तो कण एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, कण एक दूसरे के क्या होने लग जाएंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। जब पास आने लगेंगे तो क्या होगा, पहले गैस अवस्था में जो कण दूर दूर होते हैं, ताप कम करने से आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो गैस अवस्था द्रव में बदलेगी और द्रव किससे बदल जाएगा, ठोस से बदल जाएगी। इससे पदार्थ की अवस्था दो मूल कारण से परिवर्तित होती है, तापीय ऊष्मा तथा आकर्षण बल, अंतरणिक आकर्षण बल। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल होगा, आकर्षण बल दुर्बल होगा तो अणु एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो ठोस अवस्था में कण पास पास में होते हैं, जैसे ताप बढ़ेगा तो आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण अणु दूर दूर होने लगेंगे, कण दूर दूर होने लगेंगे और कण जब दूर दूर होने लगेंगे तो क्या होगा, वो ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाते हैं। यदि हम तापीय ऊष्मा को कम करते हैं तो आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ेगा, अर्थात ताप कम करते हैं तो आकर्षण बल बढ़ेगा, अणुओं के बीच में कणों के बीच आकर्षण बल की मात्रा बढ़ती जाएगी, आकर्षण बल की मात्रा जब बढ़ती जाएगी तो गैस अवस्था में कण एक दूसरे के निकट आना शुरू होंगे तो गैस अवस्था किस में बदल जाएगी, द्रव में, और द्रव फिर ठोस में बदल जाएगा। इससे पदार्थ की जो अवस्था है उसके दो कारण से परिवर्तित होती है, तापीय ऊष्मा और तापीय ऊर्जा। इस वजह से आकर्षण बल इन दो कारणों से पदार्थ की अवस्था को ठोस और द्रव और गैस में परिवर्तित करते हैं। अब इसका अगला हिस्सा जो है कि हम इस चैप्टर के अंदर 12वीं क्लास में चैप्टर के अंदर इस पाठ के अंदर हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे के पास व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के पास इससे व्यवस्थित होंगे, किसी प्रकार से हो सकते हैं, इससे व्यवस्थित होंगे, इस व्यवस्था के कारण कण एक दूसरे के पास होते हैं तो उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो उसकी परिभाषा देंगे तो क्या होगी, ठोस पदार्थ वे होते हैं जिसमें कण एक दूसरे से नियमित, एक दूसरे से निकटतम अवस्था में व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे से निकटतम अवस्था में उपस्थित होते हैं, उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है जिससे उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। तो इस आकर्षण बल के कारण उनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, साथ में उनमें कठोरता पाई जाती है, उनमें क्या पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। तो इसकी दो परिभाषाएं दे सकते हैं, ठोस अवस्था की दो परिभाषा दे सकते हैं। पहली परिभाषा, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका गलनांक कमरे के ताप पर एक वायुमंडल दाब पर अधिक होता है, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका गलनांक कमरे के ताप पर एक वायुमंडल दाब पर अधिक होता है उसको हम ठोस कहते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका गलनांक कमरे के ताप पर और एक वायुमंडल दाब पर अधिक होता है उसे हम ठोस कहते हैं। दूसरी प्रभाव, ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे से निकटतम अवस्था में व्यवस्थित होते हैं, वो अपने केंद्र पर स्थित होते हैं और केंद्र पर स्थित होने के साथ साथ उसमें अपने केंद्र के चारों ओर कंपन करेंगे, कैसे करेंगे, इस प्रकार से, ये ठोस अवस्था कण है ये केवल कंपन कर सकता है, इसमें गतिशीलता नहीं होती, ये केवल कंपन कर सकता है। तो दूसरी परिभाषा क्या है, ठोस अवस्था, ठोस पदार्थ वे होते हैं जिसमें अवयवी कण निकटतम अवस्था में अपने केंद्र पर स्थित होते हैं और अपने केंद्र के चारों ओर कंपन करते हैं, अपने केंद्र के चारों ओर कंपन करते हैं, केंद्र के चारों ओर कंपन करते हैं और उनमें तरलता नहीं पाई जाती, उनको हम ठोस कहते हैं। अब ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं, ठोस की क्या विशेषता होती है, फर्स्ट ठोस का आकार, आयतन, घनत्व, ज्यामिति निश्चित होती है, ठोस का आकार, आयतन, ज्यामिति, घनत्व निश्चित होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें अभिकर्ण प्रबल आकर्षण बल से जुड़ होते हैं। दूसरा,
इनका गला मुख कथनांक उच्च होते हैं, उच्चतम होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है, इनका घनत्व उच्च होता है। चौथा, इनमें असंपीड्यता, असंपीड्यता पाई जाती है, असंपीड्यता पाई जाती है। इनमें रिक्तस्थान छिद्र न्यूनतम होते हैं, आकर्षण बल प्रबल होता है, तरलता नहीं होती। तो ठोस को हम परिभाषित करते हैं, तो ठोस में इनका आकार दो परिभाषा होता है। पहला, ठोस में पदार्थ जिनका गलनांक कमरे के ताप पर एक मिनट दाब पर अधिक होता है उसको ठोस कहते हैं। दूसरी परिभाषा, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसमें अभिविकरण एक दूसरे निकटतम अवस्था में व्यवस्थित होते हैं और अपने केंद्र पर स्थित होते हैं और अपने केंद्र के चारों ओर कंपन करते हैं। इनमें तरलता नहीं पाई जाती, अर्थात बहने का गुण नहीं पाया जाता, उनको ठोस कहते हैं। उसके बाद हम ठोस को परिभाषित करते हैं, उसकी विशेषता लिखते हैं। तो उसका पहला क्या है, ठोस का आकार आयतन घनत्व ज्यामिति निश्चित होती है। ठोस का आकार आयतन ज्यामिति घनत्व ये सब निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें अभिकर्ण प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसी कारण से इनमें क्या है, कठोरता पाई जाती है और इसी वजह से इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इनका गलनांक और कथनांक अधिक होता है, इनका गलनांक और कथनांक अधिक होता है। इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व अधिक होता है। इनमें असंपीड्यता पाई जाती है, जैसे द्रव और गैस को हम दबा सकते हैं लेकिन ठोस में आकर्षण बल प्रबल होने से कण एक दूसरे के पास में होते हैं इसलिए उसको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए उसमें असंपीड्यता पाई जाती है। इनमें रिक्तस्थान न्यूनतम होता है। रिक्तस्थान का मतलब क्या है, इससे से ये रिक्तस्थान है, ये जो है स्थान इसको रिक्तस्थान कहते हैं, अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अंतराकाशीय छिद्र, इसको अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं, इसको अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं। फिर इनके अणु के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल प्रबल होता है, इसमें बहने का गुण तरलता नहीं पाई जाती, इससे ठोस में क्या होते हैं, विशेषताएं पाई जाती। इसके बाद हम ठोस का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि ठोस होता क्या है, इसका वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण का मतलब क्या है कि हम ठोस को किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का पहला आधार होता है ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर कि ठोस का पहला वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर होता है। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस के दो प्रकार होते हैं, इसलिए वास्तविक ठोस जिसको कहते हैं और एकिसली, एकिसली अमोरफोस आवासी और अतिस्थितित द्रव। इस नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें दोनों में क्या है, किसने ठोस वे पदार्थ हैं जिनमें आकार आयतन के साथ साथ ज्यामिति निश्चित होती है, किसने ठोस वे पदार्थ हैं जिसमें आकार आयतन के साथ साथ ज्यामिति निश्चित होती है। क्यों होती है, किसने ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनमें आकार आयतन के साथ साथ ज्यामिति निश्चित होती है, क्योंकि उसमें अभिविकर्ण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसमें अभिविकर्ण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर इस पैटर्न की पुनरावृत्ति करते हैं, इस पैटर्न की पुनरावृत्ति करते हैं, उसे हम दृढ़ प्रास अवस्था कहते हैं।
घिसते ठोस पदार्थ वे होते हैं जिसमें आकार आयतन के साथ साथ ज्यामिति निश्चित होती है, क्योंकि उसमें अभिविकरण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। त्रिविमीय विन्यास में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, त्रिविमीय विन्यास में नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इस पैटर्न की पुनरावृत्ति करते हैं। इस पैटर्न को हम दीर्घ प्रास अवस्था कहते हैं, इस पैटर्न को हम दीर्घ प्रास अवस्था कहते हैं, जिससे इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। एकिसलित ठोस उन पदार्थों को कहते हैं, एकिसलित ठोस वे ठोस पदार्थ होते हैं जिसमें आकार आयतन निश्चित होगा लेकिन ज्यामिति निश्चित नहीं होगी। एकिसलित ठोस वे पदार्थ हैं जिसमें आकार आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, क्योंकि इसमें अभिविकरण अनियमित क्रम में द्रव जैसी अवस्था में होते हैं, अनियमित क्रम में द्रव जैसी अवस्था में होते हैं जिसमें इस पैटर्न की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसमें तरलता पाई जाती है, इनमें क्या पाई जाती है, तरलता पाई जाती है, इसलिए इसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती। जिसको हम संरचना के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, किसलिए ठोस में अभिविकरण इस प्रकार से होते हैं, ये नियमित क्रम है, ये इसका नियमित क्रम है, ये किसलिए ठोस पदार्थ है, तो इसको हम दीर्घ प्रास अवस्था कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ प्रास अवस्था। और किसलिए ठोस में इस प्रकार से कण होते हैं जिनका कोई नियमित क्रम नहीं होता, इसको हम लघु प्रास अवस्था कहते हैं, प्रास अवस्था, ये लघु प्रास अवस्था। तो इस पैटर्न की पुनरावृत्ति इसमें होती है, ये अनियमित क्रम है जबकि ये नियमित क्रम है, इससे इनकी ज्यामिति और ये सब निश्चित होता है और ये अनिश्चित होता है। तो दोनों के प्रयास होगी, किसलिए ठोस पदार्थ वे होते हैं जिसमें आकार आयतन के साथ ज्यामिति निश्चित होती, क्योंकि उसके अभिविकरण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, इस पैटर्न की पुनरावृत्ति करते हैं जिसको हम दीर्घ प्रास अवस्था कहते हैं, इसलिए इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। जबकि एकिसलिए ठोस पदार्थ वे होते हैं जिसमें आकार आयतन निश्चित होगा लेकिन ज्यामिति निश्चित नहीं होगी, क्योंकि उसमें अभिविकरण एक अनियमित क्रम में होते हैं, द्रव जैसी अवस्था में होते हैं और उसमें तरलता पाई जाती है, इसलिए इसको हम एकिसलिए ठोस कहते हैं या आभासी ठोस कहते हैं, इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं। इसमें कणों की व्यवस्था दीर्घ प्रास अवस्था होती है, इसमें लघु प्रास अवस्था होती है। इसके बाद इन दोनों की विशेषताएं पढ़ते हैं, तो इसके अंदर ज्यामिति, किसलिए ठोस पदार्थ में ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरा, कणों की व्यवस्था दीर्घ प्रास अवस्था होती है, नियमित क्रम होता है, दीर्घ प्रास अवस्था नियमित क्रम होता है। इसके अंदर गलनांक निश्चित तीक्ष्ण होता है, इसमें विषम देशिकता पाई जाती है, विषम देशिकता होती है, विषम देशिकता पाई जाती है। इनका शीतलन वक्र अस्तत्व होता है, अस्तत्व होता है, जैसे इसमें अनिश्चित ज्यामिति होती है, अनिश्चित ज्यामिति होती है, लघु प्रास अवस्था होती है कणों की, अनियमित क्रम होता है, अनियमित व्यवस्था होती है, गलनांक ताप की प्रास में होता है, अनिश्चित होता है, समदेशिकता पाई जाती है, समदेशिकता पाई जाती है, और इसमें सतत शीतलन वक्र होता है। इससे हम इनकी अलग अलग विशेषता पढ़ते हैं, इस विशेषता के आधार पर हम इसको आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, तो दोनों में अंतर भी कर सकते हैं कि किसलिए ठोस में क्या अंतर होता है। इनमें ज्यामिति निश्चित होती है, इसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती,
इसमें कणों की व्यवस्था नियमित क्रम में होती है, जिसको हम दीर्घ प्रयास अवस्था कहते हैं। इसमें कणों की व्यवस्था अनियमित क्रम में होती है, द्रव जैसी अवस्था में होती है, जिसको लघु प्रयास अवस्था कहते हैं। इनका गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, तार्किक प्रयास में होता है। इसमें विषम देशिकता पाई जाती है, विषम देशिकता, और इसके अंदर समदेशिकता पाई जाती है। शीतलन वक्र कहता है किसी पदार्थ का ताप समय के साथ परिवर्तित होता है। किसी पदार्थ का ताप समय के साथ परिवर्तित होता है, उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना शीतलन वक्र कहलाता है। उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? शीतलन वक्र कहलाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अकृष्ट ठोस पदार्थों में शीतलन वक्र सतत प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस प्रकार का होता है। इससे से हम दोनों, पहला प्रकार जो क्लासिफिकेशन का होता है, जिसको हम क्रिस्टलीय और अकृष्ट ठोस में व्यक्त करते हैं ज्यामिति के आधार पर, तो उसमें हम अंतर कर सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकते हैं। इससे से हम ठोस का पहला वर्गीकरण पढ़ते हैं कि वर्गीकरण किस प्रकार से संभव है। तो ठोस का वर्गीकरण, सबसे पहले हम ठोस क्या होता है, पदार्थ की अवस्था क्या परिवर्तित होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर ठोस की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उसकी स्टडी की थी हमने। फिर ठोस का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं।